स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे स्पेस स्टेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको स्पेस स्टेशन के बारे में ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या, तिगड़म क्या है। तो आप ये समझिए कि ये परमानेंट सेटलमेंट है स्पेस में। ना यहाँ पे जो मैं परमानेंट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, परमानेंट आप ये समझिए किसी के कंपेयर में किया जाता है। जैसे कि एक नाव में आप काफ़ी दिन रहने लगे तो उसको भी कहिएगा आपका घर है परमानेंट। लेकिन मतलब किसके कंपेयर में, मतलब ईंटा के घर के कंपेयर में नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रॉकेट से अंतरिक्ष में जाते हैं तो रॉकेट तो कुछ दिन ही रह सकता है अंतरिक्ष में, मतलब जो उसका मॉड्यूल है, कैप्सूल मॉड्यूल है। स्पेस स्टेशन ऐसा बनाया जाता है कि कुछ साल तक जी सके। तो ऐसा मत समझिए कि आज आपने स्पेस स्टेशन बनाया उसको लगा के छोड़ दिया। उस पर भी खर्चा करना पड़ता है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि वो 100 साल चलेगा। लेकिन वो परमानेंट है कंपेयर टू रॉकेट। रॉकेट मतलब उसके बदले में अगर देखना चाहेंगे तो रॉकेट कुछ ही दिन रह सकता है और वो कुछ साल रह सकता है, तो परमानेंट हो जाता है। और इसमें कोशिश तो की जाती है कि सेल्फ सफिशिएंट बनाए। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब आप ये समझिए कि इसको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो जनरली नासा जितना भी स्पेस स्टेशन बनाता है उसमें पानी का जरूरत बहुत कम पड़ता है। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं पड़ता, मतलब एक बार जो आप पानी लेके गए उसको लगभग 80-90% रिसाइकिल सेफली कर लेते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि बस थोड़ा 10-10% टाइम टाइम पे उसको डाला जाता है। हवा को भी साफ कर लेते हैं लेकिन खाना को नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे खाना नहीं उगाया जाता। एक्सपेरिमेंट के लिए छोटा छोटा बैचेस उगाए जाते हैं लेकिन मतलब आप ये समझिए कि पूरा खाना नहीं उगाते हैं, खाना ज़मीन से भेजना पड़ता है। तो इसीलिए ये समझिए कि वो ऐसा नहीं कि अगर अंतरिक्ष मान लीजिए कल को ऐसा हो जाता है कि कुछ एटमॉस्फेयर के चलते या रॉकेट आ जा नहीं रहा है, वो लोग वहाँ फंस जाएंगे और ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, सफिशिएंस नहीं होता है उसमें। फिर इसको हमेशा नज़दीक रखा जाता है। नज़दीक का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सब जो है वो तो काफ़ी ऊपर है, मतलब 30,000 किलोमीटर है। स्पेस स्टेशन को जनरली नीचे रखा जाता है क्योंकि इसमें इंसान रहेंगे, तो इसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के नीचे रखना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो इसीलिए ISS की ऊंचाई अगर समुद्र तल से आप नापेंगे तो वो सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर ना पाएगा। ऑर्बिट थोड़ा 100% सर्कुलर नहीं है इसलिए 300 से 400 बोल रहा हूँ। मतलब जियो स्टेशनरी पे नहीं रखते हैं क्योंकि उसको वैन हैलन रेडिएशन बेल्ट के नीचे रखना था, तो इसे जनरली काफ़ी नज़दीक रखा जाता है। फिर आप पूछेंगे ठीक है कितने लोग इसके अंदर रहते हैं। जनरली 3 से 10-12 लोग के आसपास ही रहते हैं, मतलब छोटा क्रू है। आप ये मत समझिए कि 100-150 लोग रह रहे हैं, 50 भी नहीं रहते, 20 कभी कभार पहुँचते हैं। तो आप ये समझ करके इसको काफ़ी छोटे क्रू, मतलब इतने ही लोग चलाते रहते हैं। तो अब इतना ये हल्का फुल्का चीज़ है तो इस पर हम लोग इतना खर्च क्यों करते हैं, इसको करना क्यों चाहिए। पहले आप ये समझिए कि इंसानियत कितना भी कंप्यूटर पर बैठ के तिगड़म लगा ले, कितना भी बैठ के मैथमेटिक्स कर ले, जब तक आप आदमी एक्चुअली वहाँ रहेगा नहीं आप जानेंगे नहीं। तो इसका ये मतलब होता है कि इंसानियत को समझना कि इंसान का क्या होगा, मतलब हमारे और आपके शरीर के साथ क्या होगा ज़ीरो ग्रेविटी में, उसका एक ही तरीका है, आप वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी में रहो। धरती में आप ज़ीरो ग्रेविटी बना नहीं सकते तो अंतरिक्ष में ही जाना पड़ता है। तो ज़ीरो ग्रेविटी में से क्या होगा इंसान पे, वो जानने के लिए आपको तिगड़म लगाना पड़ता है कि भैया ठीक है स्पेस में रह के ही पता चलेगा, तो वो करते हैं। दूसरा, साइंस के मामले में तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि साइंस तो सीधे बोल रहा है ये टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ इंसुलेशन कर दो। कितना इंसुलेशन लगेगा, कैसे वो इंसुलेशन आप वहाँ ले जाइए, कैसे उसको कूल कीजिएगा, कैसे उसको गर्म कीजिएगा, मतलब आप समझ रहे हैं। तिगड़म साइंस तो सीधे सीधे बता दे रहा है आपका ये समस्या ऐसे सॉल्व करो, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए ये बहुत कठिन चीज़ होता है। तो कोई भी सिविलाइजेशन अगर आप देखना चाहते हैं कि उसे आगे जाना है तो आगे जाने के लिए उसको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सुलटाना पड़ेगा। तो वो सुलटाने के लिए ये काफ़ी एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन माना जाता है। मतलब आप ये समझिए कि आप रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट से आप अंतरिक्ष में सैटेलाइट वेटेलाइट तो भेज रहे हैं, जैसे इंडिया भी भेज रहा है, लेकिन उसके आगे आप क्या कीजिएगा। ठीक है, आप मान लीजिए एक बार कैप्सूल में आदमी को भी रख के इधर उधर कर दिए, उसके आगे क्या कीजिएगा, तब आप स्पेस स्टेशन बनाइएगा। तो स्पेस स्टेशन बनाने के को स्टेपिंग स्टोन कहा जाता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए समझिए एक माइलस्टोन है। फिर आप ये समझिए कि आप रॉकेट तो आपको मैंने बताया कि कुछ घंटे ही आप रह सकते हैं। तो जैसे जैसे चांद का मिशन जो किया गया था यानी अपोलो प्रोग्राम जो हुआ था, उस दरमियान जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनको आँख बंद करने पर तारा दिखने लगता था, तो इनको लगा भाई कुछ गड़बड़ है, और लेकिन कोई बताया नहीं मतलब कि क्या है, मतलब ऐसे हंसी मजाक में ऐसा लगता था आँख बंद करो तारा दिखता है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब सबको डर लगा हुआ था। तीनों लोग जो गए थे कि कोई सेंस नहीं था, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि ऐसा होगा, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। बाद में ये पता चला जब ISS में लोग लॉन्ग टर्म रहने लगे तब सबको ले नहीं सबको हो रहा है, और जो लोग आ रहे हैं उनको भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ अंतरिक्ष में हो रहा है, वापस जाने पे ख़त्म हो जा रहा है, तो यानी कुछ तिगड़म है। तो बाद में पता चला कि कॉस्मिक रेडिएशन जो कि हर चीज़ के आर पार चला जाता है जैसे एक्सरे चला जाता है, वो रेटिना से इंटरेक्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब जैसे 100 पार्टिकल गया तो 100 का 100 इंटरेक्ट करेगा, लेकिन 1-2 इंटरेक्ट कर सकता है। धरती के अंदर ऐसा इसलिए नहीं होता कि एटमोसफेयर उसको, मतलब समझिए 100 किलोमीटर का एटमोसफेयर है हमारा, तो वो आते 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 ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन आप अंतरिक्ष में जो हो जैसे 300 से 400 किलोमीटर कुछ ना कुछ भिड़ ही जाता है, तो इसीलिए आँख आप बंद कीजिए
जाएगा अंतरिक्ष में, तट 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 तारा जैसा आपको चमकने लगेगा। तो ये सब जानने के लिए तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा ना, लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट को ऐसे हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर जीरो ग्रेविटी में आप ज़्यादा दिन रहे और आप खूब एक्सरसाइज किया, आपका मसल बचा रह जाएगा लेकिन हड्डी नहीं बचेगा। आपका दिल का शेप जो है, मतलब जो तरीका का है, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा हो जाता है, क्योंकि मतलब ग्रेविटी ना होने के चलते बहुत सारा असर पड़ता है। तो और ये सब असर एक दिन में नहीं पता चलेगा, मतलब आज गए मेरा हड्डी कमज़ोर हो गया, ऐसे नहीं होता है। आप गए 3-4 दिन में तो पता भी नहीं चलेगा, 1-2 हफ्ते बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, 3-4 महीने बाद बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसके 1-2 महीने बाद जानलेवा हो जाएगा। तो ये सब समझने के लिए लॉन्ग टर्म स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ये सब इफेक्ट को कहा जाता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, मतलब एक के ऊपर एक ऐड होते जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक बार का एक झटका लगा 100 रुपया का, नहीं, वो 100 रुपया लिया, फिर 10 रुपया लिया, फिर 10 रुपया लिया, फिर 10 रुपया लिया, ऐसे ऐसे करके वो सेहत खराब करता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म देखना जरूरी था कि क्या होगा। तो फिर हम लोग आते हैं कि स्पेस स्टेशन के बारे में तो बात शुरू ही नहीं होगा जब तक हम लोग मियर स्पेस स्टेशन के बारे में बात नहीं करते। ये सोवियत यूनियन ने बनाया था। जब अपोलो मिशन यानी कि चांद वाला मिशन ख़त्म हुआ, तब सोवियत यूनियन जो कि हार चुके थे मतलब चांद पे जाने से, तो उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, हम लोग कुछ दूसरा करते हैं। तो ये लोग स्पेस स्टेशन पे किया। इस दरमियान अमेरिका भी अपना स्पेस स्टेशन बनाया था, लेकिन उसका एक बड़ा मॉड्यूल था, यानी कि सैटर्न 5 का ही अपर स्टेज को लेकर पहुँच गए थे। ठीक है, सब तो बढ़िया है, लेकिन इन लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि कैसे अंतरिक्ष में जो चीज़ को जोड़े, अंतरिक्ष में मतलब यहाँ से छोटे छोटे रॉकेट से खूब सारा पार्ट भेजें और उसको अंतरिक्ष में जोड़ दें। तो ये लोगों ने पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन बनाया। मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग रंग से आपको समझ में आ जाने कि अलग अलग पीसेस थे, इसीलिए ऐसा तिगड़म वाला लग रहा है, ये एक रॉकेट में नहीं भेजा गया। ये बात बहुत बड़ी थी और अमेरिका से बहुत आगे थी। जब सोवियत यूनियन का मतलब अंत आया, जब मतलब उनका पैसा ख़त्म हो गया, नहीं संभाल पा रहे, इकोनॉमिक्स डिसॉल्व जब किया गया, तो रशिया के पास ये सारे टेक्नोलॉजी आ गई। तो रशिया और अमेरिका दोनों मतलब कोलैबोरेशन में, क्योंकि रशिया अकेले नहीं संभाल सकता था इसको, तो अमेरिका से पैसा का बेनिफिट लिया। और अमेरिका का फ़ायदा ये था कि अगर वो सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे वो सब अगर इधर उधर सारे कंट्रीज को खरीदने लगता, वो सब साइंटिस्ट ICBM बना सकते थे, इसीलिए उनको मतलब एक ही जगह पे जॉब दे के रखना अमेरिका के लिए सेफ्टी के नज़र से बहुत अच्छा था। तो आप ये समझिए कि इन्होंने ही फिगर आउट किया, मतलब अमेरिका एक पीस ले जा रहा है और यहाँ पे ये कई सारे पीस को जोड़ चुके हैं, तो ये काफ़ी आगे थे। इसी के बाद पता चला कि अंतरिक्ष में कैसे रहा जाए, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। मतलब आप इतना समझिए कि अंतरिक्ष में 15 साल का इसका मिशन बनाया गया था, तो 12.5 ईयर तक ये सक्सेसफुली कर दिया, और ये 2001 तक चलता था। तो ठीक है, वो मियर तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद हम लोगों ने ISS बनाया। ISS आप ऐसा समझिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, यानी कि इसमें एक कंट्री ने नहीं बनाया। जैसे मियर का आपको मैंने बताया ना कि सोवियत यूनियन ने बनाया, और स्काई लैब जो था अमेरिका का, वो अमेरिका खुद ने बनाया था। ये कई सारे देश जोड़ के बात किया। तो कुछ बड़े बड़े देश का मैं जैसे आपको नाम देता हूँ कि रशिया आया, अमेरिका आया, यूरोपियन यूनियन आया, जैक्सा आया यानी जापानी स्पेस एजेंसी आई। तो इतने सारे लोग, ये सब तो बड़े बड़े प्लेयर हैं और काफ़ी सारे छोटे प्लेयर्स भी हैं। तो ये सब मिलके, इसरो नहीं है उसमें, ये सब मिलके एक अंतरिक्ष कोलैबोरेशन किया और उन्होंने ये बनाया। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। मतलब मियर के कंपेयर में देखिएगा तो मियर आपको दिखाया था, मियर के बगल में अगर स्पेस स्टेशन लगाए, ये मतलब स्पेस शटल लगाए तो कैसा लगता है, स्पेस शटल इसके कंपेयर में देखिए तो ये काफ़ी बड़ा है। मतलब जो जो गलती मियर में की गई थी उससे सीख के, समझ के कि क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कैसे तिगड़म लगाया जाएगा, ये बनाया गया। तो ये काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल मल्टीपल प्रोजेक्ट था। और ये बात आप ध्यान रखिए कि ये हमेशा मैन्ड रहता है, यानी कि हर वक्त, हर समय 24 घंटे इसमें कोई ना कोई इंसान रहता है, कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग रहते ही हैं इसमें हर टाइम। और मतलब इसका अभी तो 100% पे चल रहा है। मान लीजिए अभी रिसेंटली जो सोल्यूस का एक्सीडेंट हुआ, कि मतलब कोई मरा नहीं, बस रॉकेट कोलैप्स कर गया, तो इसके चक्कर में एस्ट्रोनॉट्स को हटा दिया गया, इमरजेंसी एस्केप किया गया। तो उस कारण से ऐसा हो सकता है कि पहली बार ISS ऐसा हो जाए कि इसमें कोई आदमी ना रहे, लेकिन अभी तक ये हमेशा इसमें कोई ना कोई आदमी रहता है। तो हम लोग भविष्य के बारे में बात करें, ठीक है, ISS का तो उम्र आ ही रहा, आपको पता ही कि 2025 या 2030 तक में तो इसको रिटायर करना ही पड़ेगा। तो बोलेंगे इसको रिपेयर क्यों नहीं करते, रिटायर क्यों नहीं कर रहे, मतलब रिटायर क्यों करें। पहले ये समझिए कि ये जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया था। तो आप समझ रहे हैं 30-40 साल हो गया है, तो कितनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और उसमें भी तो गलती था। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हो ना, क्लास 2 से क्लास 3 ही जा सकते हो, क्लास 2 से क्लास 10 नहीं जा सकते। तो अब तो सीख गए हैं, तो इसीलिए अब उसको दोबारा रिपेयर करके ISS को लंबा लाइफ देने का कोई मतलब नहीं बनता।
बहुत चीज़ डैमेज हो गया, मतलब अब हर टाइम मतलब उसमें जो क्रू जा रहा है वो रिसर्च की जगह आधा टाइम रिसर्च पे दे रहा है, आधा टाइम बस ISS को बर्बाद होने से बचा रहा है। मतलब कि कभी कूलेंट ख़राब हो जा रहा है, कभी कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो जा रहा है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, मतलब अब उसका उम्र हो गया है तो उसको रिपेयर कर करके फालतू का टाइम लगाने से लोग बोल रहे हैं भैया ठीक है अब कुछ नया बनाया जाए। तो अमेरिका और जिस कम्युनिटी ने ये बनाया था ISS, मैंने कम्युनिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग मिले थे, नासा अकेले नहीं बनाया था, तो वो सारे लोग वापस आए और लॉपची बना रहे हैं। लॉपची पे आप मेरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं। लॉपची के बारे में बस आप दो तीन चीज़ समझिए कि ये 24/7 इसमें आदमी नहीं रहेगा, ये ISS जैसा नहीं, लेकिन ये वैन आलन रेडिएशन बेल्ट से बाहर है, यानी कि ये चांद पे है, ये चांद का ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ का नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसमें हर टाइम आदमी नहीं रखा जाएगा। और मुझे तो ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया क्योंकि ये स्पिन नहीं कर रहा, और मतलब आप वैन आलन रेडिएशन बेल्ट के आगे जाने के बाद आपको यही पता चलेगा आदमी और कितना तेज़ी से मरेगा। तो मतलब इसका और जो जो लोग इस प्रोजेक्ट में हैं वो भी पसंद नहीं कर रहे क्योंकि सीधे बोले भैया चांद पे ही बना लो ना, क्योंकि तब आप रेडिएशन शील्डिंग लगा सकते, तब आपको पता चलेगा कि लो ग्रेविटी में क्या होगा, तब आप वहाँ इन सूची यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो देखे तो पूरा डिटेल पता चलेगा। इस तो ये है जो कोलिशन ऑफ कंट्री जिन्होंने ISS बनाया वो लोग लॉपची पे खर्च कर रहे हैं। अब इसके बाद चाइना अकेला कंट्री बना था जो सोवियत यूनियन के बाद अकेले से बनाया था, ठीक है। तो अभी तो आपको रिसेंटली न्यूज़ में आया ही होगा, सुना ही होगा कि चाइना का स्पेस स्टेशन गिर गया। वो पहला स्पेस स्टेशन था, वो उसमें बहुत कम टाइम के लिए लोग रहते थे, ऐसा नहीं था कि उसमें कभी कोई गया नहीं, गए चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स, चाइनीज़ बोल रहा हूँ, हाँ टाइकोनॉट्स उन्हें कहा जाता है, टाइकोनॉट्स गए, टाइकोनॉट्स रहे, वापस आ गए, लेकिन वहाँ परमानेंटली नहीं रहते जैसे ISS में परमानेंटली है, वैसा उसमें परमानेंट नहीं। तो अब एक दूसरा वर्जन बना रहे हैं जो बड़ा होगा, तो कहीं जगह मैंने सुना है कि वो ISS से बड़ा होगा, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बड़ा होगा, चांसेस बहुत कम है क्योंकि ISS का बिल बहुत ज्यादा आया था, 400 बिलियन से ज्यादा बिल आया है उसका, तो उतना पैसा ना अमेरिका दे सकता है, ना रशिया दे सकता है, ना चाइना दे सकता है कि एक अकेला कंट्री बैठ के उतना खर्च कर दे, चांसेस बहुत कम है, असंभव नहीं है लेकिन कम है, बहुत कम है। तो इसका जनरली साइज तो मियर से तो बड़ा ही होगा लेकिन ISS छोटा होगा। फिर आप बोलिए तो आजकल तो मैं हर जगह सुनता कि प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाला है, वो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम है कि सबकी सब प्राइवेट कंपनी मिलकर अगर एक बना रही होती तो मैं मान सकता, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन मान लीजिए दो कंपनी ने खोल दिया छोटा सा ही कि मतलब टूरिस्ट आते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि उसका पैसा रिकवर करने के लिए आपको खूब सारे टूरिस्ट चाहिए, तो अगर टूरिस्ट को दो ऑप्शन मिल जाएगा तो दोनों के पास आपका जो कहते हैं रेवेन्यू बट गया, अब दोनों भूखे मर जाएंगे, मतलब दोनों को एक ही करना पड़ेगा। तो इसी कारण से मैं स्पेस टूरिज्म में उतना नहीं एक्साइटेड, अगर ये सारी कंपनी जो भी हो, SpaceX हो, चाहे वर्जिन गैलेक्टिक हो, चाहे ब्लू ऑरिजिन, ये सब आके बोलते हैं कि नहीं हम लोग एक जगह पे खर्च करते हैं, जैसे ISS को बनाने के लिए इतने सारे देश लगे, ये सारे प्राइवेट कंपनी आके बोलती है नहीं हम ये करेंगे, तब मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके बिना मुझे ये आइडिया पे उतना भरोसा नहीं है। हाँ आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन अभी गाड़ी निकलने में टाइम है। तो जैसे कि मुझे एक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया जो जिसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जो है डीप स्पेस गेटवे टाइप। तो ये धरती के ही लो ऑर्बिट पे, लेकिन ये घूमता है। अब इसके घूमने का फ़ायदा ये है कि ये ग्रेविटी क्रिएट कर देता है, तो आपको मैंने बताया था 0G इंसान को मार लेता है, तो कुछ साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, कुछ साल भी बहुत हो गया। तो ये स्पिन करके इसमें दो सेक्शन है, एक अंदर का सेक्शन, एक बाहर का रिंग है। अंदर का सेक्शन जिस स्पीड से घूम रहा है वहाँ पे आपको लूनर ग्रेविटी मिलेगी, यानी चांद पे जितनी ग्रेविटी वैसा लगेगा, तो वहाँ पे रह के लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा उतने ग्रेविटी से, क्या हमारा शरीर ठीक से रिकवर कर पाएगा, क्या वो ग्रेविटी कम पड़ेगी। तो आप चांद पे जाके टेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो 3 दिन लगेगा आने में, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तुरंत नीचे पहुँच जाएंगे, तो इस कारण से यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें जो आउटर रिंग है वो इस जो घूम रहा है उस पर ग्रेविटी जो है मंगल जैसी है, तो मंगल पे जाके ट्रेनिंग लेना तो पॉसिबल है नहीं, मंगल जाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, मंगल पे जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग किया जा सकता है। तो इसलिए मुझे इस पे भरोसा है, मतलब आइडिया वाइज कि ये किया जा सकता है, लेकिन हाँ काफ़ी दाम आएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस स्टेशन के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहिएगा, और मैं कहूँगा कि आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ #S2T और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।